बैक हो रहे वाहन से टकराया छात्र का सिर, मौके पर मौत। मालवाहक वाहन को बैक करते हुए छठी कक्षा के छात्र का सिर टकराने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान कार्तिक कुमार आयु 12 वर्ष गांव कनु ग्राम पंचायत करवाल डाकघर पणता तहसील सलूनी के रूप में हुई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने खून से लथपथ छात्र को उठाकर वाहन के जरिए किहार अस्पताल पहुंचाया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची तेलका पुलिस चौकी की टीम ने शव कब्जे में लेकर शवगृह ड्यूर में रखवाया। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रोजमर्रा की तरह सोमवार को छठी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र छुट्टी के बाद अपने दोस्तों के साथ गांव की ओर आ रहे मालवाहक वाहन में सवार होकर करवाल से जगोट के लिए निकला। मालवाहक वाहन के कुन्नू पहुंचने पर छात्र वाहन से उतर गया और पीछे खड़ा था। चालक ने वाहन को बैक किया तो वाहन के पीछे खड़े छात्र का सिर वाहन से टकरा गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। खून से लथपथ छात्र के वाहन के साथ टकराने की आवाज सुनकर वाहन चालक ने वाहन को रोककर देखा तो उसके पाव तले जमीन खिसक गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों और बच्चों के चीखने की आवाज सुनकर छात्र के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। बेसुध हालत में छात्र को नजदीकी किहार अस्पताल पहुंचाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मालवाहक वाहन को कब्जे में लेकर चालक अनूप कुमार निवासी गांव जगोट ग्राम पंचायत करवाल का मेडिकल करवाया। साथ ही चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी छानबीन आरंभ कर दी है। पुलिस चौकी तेलका के प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों के बयान लेने के पश्चात शव को कब्जे में ले लिया है। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।